नमस्कार दोस्तों, मैं LLB ऑनर्स लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि आने वाले इंट्रेंस एग्ज़ाम LLB ऑनर्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है, हु इज़ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्ट कम्प्लीटली डिस्टिंग्विश द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ दी कंपनी। इसका पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें आपका आंसर होगा पिट्स एक्ट 1784। अब पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड विच लॉ फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 भी एक बार देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1891 और 1935 भी एक बार देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। देखिए यहाँ पे 1858 एक्ट है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अंडर विच एक्ट डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अंडर विच एक्ट डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इस क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस एक्ट के थ्रू, ब्रिटिश एक्ट, ब्रिटिश पीरियड में किस एक्ट के थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पढ़ लीजिएगा, जिसको मॉडली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। चार्टर एक्ट 1853 भी एक बार देख लीजिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट टाइम। कौन सा ऐसा एक्ट है, किस एक्ट के थ्रू जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जो इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आप एक बार चार्टर एक्ट भी देख लीजिएगा और इंडियन काउंसिल एक्ट तो बता ही दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 विच कम्युनिटीज़ वर प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्टोरल सिस्टम। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में किस कम्युनिटी को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था इन द इलेक्टोरेट सिस्टम। तो इसमें सिख एंड यूरोपियन भी थे, इंडियन क्रिश्चियन भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसका क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब अगला क्वेश्चन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द इंडियन फेडरेशन वर्क थ्रू विच काइंड ऑफ लिस्ट। तो इसमें फेडरल लिस्ट भी था, प्रोविंशियल लिस्ट भी था, कंकरेंट लिस्ट था। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अब अगला क्वेश्चन है विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा एक्ट है जो न कि सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया बट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
एक बार आप ये भी देख लीजिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें बोला कौन सा एक्ट है जो बिगेस्ट सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वन हाफ ऑफ द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिक्वायर्स रेटिफिकेशन, किस आर्टिकल के थ्रू रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वन हाफ ऑफ द स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 54। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रैम्बल। ये क्वेश्चन कहता है कि एट द टाइम ऑफ इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा ऐसा आइडिया जो है जो इंक्लूडेड इन द प्रैम्बल नहीं था। तो लिबर्टी भी थी, इसमें पूछा कि नहीं था, तो लिबर्टी था, इक्वलिटी था, जस्टिस था, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि इसमें सोशलिस्ट नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेज इन द प्रैम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब अगला क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया। इस सेकुलर इन इंडिया मीन्स सेकुलर स्टेट मीन्स जो होता है इसमें नो ऑफ एनी ऑफिशियल लैंग्वेज या कोई भी रिलीजन को क्या बोलते हैं सुप्रीमेसी नहीं दी जाती है, सारे रिलीजन इक्वल होते हैं इन द आइज ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा डी कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया सेकुलर स्टेट। तो फंडामेंटल राइट नहीं, 9th शेड्यूल इसका कोई बात ही नहीं, DPSP ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रैम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं कि जैसे चूज द रिस्पॉन्ड, मतलब इसमें होता है कि सिक्वेंस में आपको बताना रहता है कि कौन सा सिक्वेंस सही होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोवरिन सेकुलर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभी क्वेश्चन नीचे है, चूज द रिस्पॉन्स दैट गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रैम्बल। तो पहला क्या आया था, सोवरिन आया था, उसके बाद क्या आया था, सोशलिस्ट आया था, उसके बाद आया था सेकुलर, और लास्ट में आया था आपका डेमोक्रेटिक। चलिए अभी ये देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टिंग इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोला है कि इस चारों में से कौन सा ऐसा है जो पार्ट 4A में मतलब है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी आर द शेड्यूल आर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने शेड्यूल हैं, तो सिंपल सा आंसर 12 शेड्यूल हैं। द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 एडेड अ न्यू पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट पार्ट। इसमें बोला कि द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 एडेड अ न्यू पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 9A। हाउ मैनी कंटेंट्स आर देयर इन द पंचायत राज सिस्टम, सो टोटल देयर आर 29 सब्जेक्ट और कंटेंट्स। अगला क्वेश्चन है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसपैलिटी आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका है 12th शेड्यूल। एक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपको टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, और 12 शेड्यूल के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है शेड्यूल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या है कि सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेचर डीलिंग
विद द लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम ईवीएस से। अब लास्ट क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, या सिंपली कह सकते हैं कि जर्मनी। यस, सो आई होप कि आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।